हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेटा जो अपना अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लास टेंथ का ह्यूमन आई अपन ने स्टार्ट कर लिया था। आज जो अपना टॉपिक रहेगा बेटा वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी अपने नेचुरल आई में भी नॉर्मल आई में भी बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, ड्यू टू एडवांसेज दोनों ही नहीं दिखते, ना तो दूर का दिखता है ना तो पास का, यानी जो 60 अबव एज के हो जाते हैं या 50 अबव एज के हो जाते हैं उनको दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं, ना तो पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। तो अपन तीन डिफेक्ट आपके इस कोर्स में है बेटा। नंबर वन इज मायोपिया, नंबर टू इज हाइपर मेट्रोपिया और नंबर थ्री इज प्रेस बायोपिया। बेटा ये तीन टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे अपन, क्लियर? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। बेटा देखते हैं मायोपिया क्या होता है। फर्स्ट मायोपिया देखते हैं बेटा। मायोपिया में डिफेक्ट में क्या होता है तो एक जनरल दे देता हूं आपको बेटा। मायोपिया वो होता है जिसको पास का तो दिखता है बट दूर के ऑब्जेक्ट सी नहीं होते, क्लियर? तो मायोपिया का मतलब होता है, इसका एक और नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, यानी शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता, मायोपिया। इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट एबल टू सी फार बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यानी इसमें क्या होता है, पास की चीजें तो सब दिखती है बट दूर की चीजें नहीं दिखती। अब मैं बता देता हूं आपको कि होता क्या है इसमें बेटा। अपना जो डिस्टेंट विजन है, ठीक है, फार्देस्ट पॉइंट ऑफ अपना इंफिनिटी है, अगर किसी को इंफिनिटी तक दिख रहा है उससे पहले तक दिख रहा है तो उसको ये मायोपिया डिफेक्ट होता है, क्लियर? उसको पास की चीजें तो क्लियर दिखती है बट दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती। तो ये तो हो गई, देखो इसमें तीन पॉइंट्स अपन को, तीन से चार पॉइंट ज्यादा पता है। पहला अल्टरनेटिव नेम, ठीक है, अपन को नेम बताना चाहिए उसका, एक और नाम क्या है, दूसरा उसके डिफाइन, तीसरा कॉज, चौथा इमेज और पांचवा करेक्टिव लेंस। ये पांच चीजें अगर आपको पता है तो आप इस डिफेक्ट को इजीली कर सकते हैं और ये डिफेक्ट 5 मार्क्स का आता है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वापिस समझ लीजिएगा, मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस होता है, इसमें पास के ऑब्जेक्ट्स इजीली दिखते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते। अब क्यों नहीं दिखते उसका कारण बता देते हैं बेटा। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि अपना जो पॉइंट होता है, डिस्टेंट विजन जो होता है वो लेस देन इंफिनिटी हो जाता है, लेस देन इंफिनिटी। अब वो होता क्यों है, इंफिनिटी से कम हो जाता है इसलिए अपन को दिखने कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्लियर? क्लियर नहीं दिखते, ब्लर दिखते हैं, ठीक है? देखते हैं, फर्स्ट कारण होता है ड्यू टू हाई पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। देखो बेटा इसका मतलब क्या है, ड्यू टू हाई पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है, फोकल लेंथ जो होती है वो अपनी कम हो जाती है, फोकल लेंथ बिकम्स शॉर्ट। देखो फर्स्ट कारण क्या दिया मैंने, हाई पावर यानी कन्वर्जिंग लेंस। देखो भाई अपने अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, आयाना होता है, तो कन्वर्जिंग लेंस की जो पावर है वो इतनी हाई हो जाती है कि उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बहुत कम। आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। अगर पावर को इंक्रीज करूंगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। आयाना पी इक्वल टू 1/f होता है, जितनी मैं पावर को इंक्रीज करूंगा फोकल लेंथ उतनी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसके कारण ये इफेक्ट होता है, क्लियर? फर्स्ट कारण समझ में आया आपको कि फोकल लेंथ बिकम्स शॉर्ट और ड्यू टू हाई पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, p इक्वल टू होता है 1/f, p जितना इंक्रीज करूंगा f उतना ही क्या होगा, डिक्रीज, यानी पावर इंक्रीज होती है जिसके कारण फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। नंबर टू,
इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, यानी आईबॉल क्या हो जाती है, बहुत बड़ी। आईबॉल की साइज क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके कारण अपनी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम। तो ये आपको दो रीजन पता होने चाहिए कि मायोपिया डिफेक्ट के कॉज क्या होते हैं। फर्स्ट होता है ड्यू टू हाई पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, सेकंड होता है इलॉन्गेशन ऑफ आईबॉल। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कि बेटा इसमें रे डायग्राम, इसका रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम इसलिए होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब देखो इमेज का ब्रेक, इमेज बनती है बेटा इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। देखते कैसे, ये अपनी आई बॉल, ये अपना लेंस, बेटा रेटिना है ये वाला पार्ट है, ठीक है। लेकिन रेटिना से पहले जो इमेज बनती है वो किसमें बनती है, मायोपिया में। अब इस डिफेक्ट को सही करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, जिसके कारण ये डिफेक्ट क्या हो जाता है, सही। अब देखिएगा डिफेक्ट सही करने का कारण, डिफेक्ट सही करने का रे डायग्राम देखिए आप बेटा, रे आएगी, ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज करेगा और ये वापस कहां मिलेगी, इस साइड। ये इसका रे डायग्राम होता है, ध्यान रखना। आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस जो होता है, वापस मैं एक बार डायग्राम वापस समझा देता हूँ आपको, जब अच्छे देखिएगा। कुछ नहीं करना है, आई बॉल बनाई, ये तो आपको डायग्राम समझ में आ गया कि भाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, बट ड्यू टू मायोपिया इफेक्ट इमेज का बनती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, बननी चाहिए रेटिना पे, बनती कहाँ, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। लेकिन जब मैं कॉनकेव लेंस लगाता हूँ तो होता क्या है, या ये रे डाइवर्ज होगी, या ये रे डाइवर्ज होगी, और ये दोनों कन्वर्ज होकर कहाँ पे इमेज बनाएगी, रेटिना पे। बट ये डाइवर्जिंग इमेज भी यहाँ बनती है, आपको पता है अपन कॉनकेव लेंस में डॉट डॉट स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, फोकल लेंथ पे इमेज तो भी निकालनी पड़ेगी, इंफिनिटी से जो आ रही है, तो ये करते हैं अपन, ठीक है। ये रे डायग्राम आपको बनाएंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया आपको, अगर डिफेक्ट है तो इंफ्रंट ऑफ रेटिना। डिफेक्ट को सही करने के लिए कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए इमेज का बना देता है रेटिना, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आपका मायोपिया। अब बेटा मायोपिया का न्यूमेरिकल आता है। अब मायोपिया में अपन ने उसकी डिफाइन पढ़ ली, उसका अल्टरनेटिव नेम पढ़ लिया, कॉज पढ़ लिए, रे डायग्राम पढ़ लिया, इमेज का बनती है वो पढ़ लिया, और कौन सा लेंस करेक्ट करने के लिए, कॉनकेव लेंस, ये भी अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसके बाद जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्या है इसके, न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, ध्यान रखना हमेशा फॉर्मूला ही रहेगा, लेंस फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि यहां पे लेंस अपन यूज करते हैं, क्लियर। अब इसके लिए आपको दो चीज बता दूं भैया, कॉनकेव में एफ नेगेटिव रहता है। देखो लेंस लगाने के बाद हमेशा इमेज वर्चुअल रेट बनती है, क्लियर। तो यू भी नेगेटिव होगा और वी भी नेगेटिव, यानी इसमें तीनों टर्म्स क्या होती है, नेगेटिव। फोकल लेंथ की देखो भाई, कॉनकेव लेंस की या कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, यू हमेशा सब में नेगेटिव रहता है क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रहा है, बचा कौन, वी। वी जब वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है तो इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है, जिसके कारण वो भी क्या हो गई, नेगेटिव। यू वी एफ तीनों नेगेटिव रखेंगे, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आया, अ नॉर्मल पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर, बट अ पर्सन विद दिस इफेक्ट कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट आफ्टर 60 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें यू वी एफ अपन को निकालना चाहिए, अपन को एफ तो पूछा है, ठीक है। एफ का आंसर आना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं। यू और वी के लिए अपन क्या करते हैं, अब समझना ही था, जहां पे उस डिफेक्ट वाले पर्सन की इमेज बन रही, लास्ट इमेज, जहां पे उस डिफेक्ट वाले पर्सन की इमेज बनती है
हमेशा ध्यान रखना, उसको बोलते हैं वी, और जो नॉर्मल वाले की है वो बोलते हैं यू। अगर नॉर्मल में कुछ नहीं दे रखा हो तो आपको यू क्या लेना है, इन्फिनिटी। नॉर्मल इन्फिनिटी होती है, क्लियर। जहां पे अपन को ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जिसको डिफेक्ट है उसको जहां तक दिख रहा है वो गिना जाता है वी, क्योंकि उसकी लास्ट में वहां तक ही बनेगी। लेकिन जो नहीं दे रखा वो क्या गिना जाता है, यू। हमेशा ध्यान रखना, ये गलती मत करना, आपको भारी पड़ सकती है बेटा। यू तो होगा यहाँ पे माइनस 80, बियॉन्ड 80 माइनस 80 हो गया, वी हो गया माइनस 60। भाई डिफेक्टिव पर्सन को कहां के बाद में दिख रहा है, 60 सेंटीमीटर के बाद दिख रहा है, यानी 60 तक दिख रहा है, यानी उसकी इमेज लास्ट इमेज 60 तक बनेगी, और अपन वी इमेज के लिए ही यूज करते हैं, क्लियर। और यू ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है कि जो नॉर्मल पर्सन है उसको वहां तक दिख सकता है, लेकिन जो डिफेक्टिव पर्सन है उसके इमेज क्या बन रही है, वहां तक बन रही है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब 1 upon f = 1 upon v + 1 upon, sorry, माइनस 1 अपॉन यू, क्लियर। अब देखते हैं कि भाई ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, तो वो देख लेते हैं अपन नॉर्मल कि भाई होगा क्या एक्चुअली। 1 upon f = 1 upon v - 60 - 1 upon - 80 सॉल्व करेंगे। 1 upon - 60 + 1 upon 80 एलसीएम निकालोगे आप, 60 और 80 का एलसीएम कितना आएगा, -480 लिख दे, ये हो गया -8 + 6 -2 upon 480 240, यानी फोकल लेंथ आ गई -240 सेंटीमीटर। अब इसकी क्या निकालनी, पावर भी निकालने को आ सकता है, तो पावर के लिए कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो इक्वल टू 1 upon f होता है, t = 1 upon -240। हमेशा ध्यान रखना पावर मीटर में आती है, इस सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, तो डिवाइड बाय 100, तो 100 upon -240 सॉल्व करोगे आपका आंसर जो भी आएगा -0 point something आएगा, 5, 12, 54, 0.4 डायोप्टर। अब वो बोलेगा स्पेक्स कौन सा यूज करेगा, -0.4, जिसके भी माइनस वाला चश्मा लग रहा है वो समझ जाना आपको दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है, क्लियर। और जिसके प्लस वाला लगता है उसको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है बेटा हाइपरमेट्रोपिया। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, जो देखते हैं बेटा, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटेडनेस, जस्ट उल्टा है, इसका उल्टा है, मायोपिया का जस्ट उल्टा है हाइपरमेट्रोपिया, उसमें पास का दिखता था, इसमें दूर का दिखता है बट पास का नहीं दिखता। तो मैं डिफाइन लिखूंगा नहीं, मैं आपको डिफाइन समझा देता हूं बेटा। पहला तो उसका अल्टरनेटिव नेम क्या था, शॉर्ट साइटेडनेस, इसका अल्टरनेटिव नेम होता है फार साइटेडनेस, क्लियर। हाइपरमेट्रोपिया की डिफाइन क्या होती है, अ पर्सन कैन एबल टू सी फार बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मायोपिया में अपन ये पढ़ते थे कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली दिखते हैं, फार बाय क्लियरली दिखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट उल्टा, फार के तो ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखते हैं, नियर के नहीं दिखते, यानी जिसको पास का नहीं दिखता उसको कौन सा डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया। ये ध्यान रखना वर्ड ये यूज क्यों होता है, क्योंकि ये बताता है कि जो चीज उसको दिख रही है वो ये वर्ड होता है। फार साइटेड का मतलब दूर का दिख रहा है, क्लियर, और पास का नहीं दिखता। नेक्स्ट कॉजेज, अब इसमें क्या होगा, ड्यू टू लो पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, लो, और इंक्रीज इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है जिसके कारण उसको दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिखता, ठीक है। वहां पे हाई पावर था, यहां पे क्या गया, लो पावर। वहां पे आई बॉल की साइज क्या होती थी, बड़ी, यहाँ पे आई बॉल की साइज क्या हो जाएगी, छोटी, आई बॉल बिकम्स स्मॉल, आई बॉल छोटी हो जाती है, क्लियर। तो ये दो कॉजेस हो गए इसके, वहां पे हाई पावर आता था, यहाँ पे लो पावर, वहां पे आई बॉल इलॉन्गेशन होता था, यानी आई बॉल की साइज बड़ी होती थी, यहाँ पे आई बॉल की साइज क्या हो जाएगी, छोटी। नेक्स्ट अपन का पढ़ते हैं रे डायग्राम वाला, देखो भाई यहाँ पे इमेज बनती है बिहाइंड द रेटिना, यानी रेटिना के पीछे,
यहां बनेगी इमेज बिहाइंड द रेटिना। इसके लिए करेक्टिव लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इमेज क्या बनेगी? रेटिना। तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज होगा? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गए? इमेज बनेगी बिहाइंड द रेटिना और लेंस लगेगा कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके न्यूमेरिकल देख लो बेटा, जैसे वहां पे अगर यूपी दे रखा होता तो इंफिनिटी लेते थे, तो बेटा अपना नियर पॉइंट कितना होता है? 25। तो यहाँ पे लेते हैं 25। अगर कुछ नहीं दे रखा हो, एक क्वेश्चन है सुनना, अ पर्सन स्टार्टेड टू सी ऑब्जेक्ट्स आफ्टर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस। सेम क्वेश्चन, अब यहां पर समझ जाते हैं। अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस है तो यू और वी दोनों क्या होंगे? नेगेटिव, क्योंकि वर्चुअल रिलेटिव की बात कर रहे हैं। यू तो हमेशा नेगेटिव है, वी देखो इमेज हमेशा वर्चुअल रिलेटिव बनेगी, क्लियर? तो वी भी नेगेटिव। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें देखो। अब इस क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट करता है? 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर से इसको ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं, यानी कितना होता है? -30। यू कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। तो नॉर्मल पर्सन का यू कितना होता है? -25। यस सर, अगर कुछ दे रखा होता तो वो लिखना है 28 27 26, कुछ भी दे रखा हो वो लिखना है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो -25 लिख दिया। जैसे वहां पे माइओपिया में कुछ नहीं दे रखा तो इंफिनिटी लेना पड़ता है, और 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0। हमेशा ध्यान रखना 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन e, नेक्स्ट फॉर्मूला लगाया 1 अपॉन v, v कितना है बेटा? -30 माइनस -25। सॉल्व करोगे -30 प्लस 1 अपॉन 25 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 150, 5, क्लियर? -5 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन 150, फोकल लेंथ आ गई 150 सेंटीमीटर। प्लस की आ गई, इसका मतलब अपना फोकल लेंथ पॉजिटिव आया, यानी कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स। अब पावर निकालनी, 1 अपॉन f मतलब 150 सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करेंगे, पावर हमेशा मीटर में होती है, 2 3 आएगा 0.66 d आंसर, प्लस का 0.66 d, क्लियर? डायरेक्टर ऐसा ही होती है पावर की। ये हो गए आपके मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेस बायोपिया पे। अब बेटा प्रेस बायोपिया क्या कहता है? प्रेस बायोपिया बहुत सिंपल, प्रेस बायोपिया बोलता है ये एडवांस एज में लोगों को होता है, यानी जिनकी एज बहुत ज्यादा है उनको कौन सा डिफेक्ट होता है? प्रेस बायोपिया, यानी ना तो पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। इसका एक और नाम है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ये वन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। प्रेस बायोपिया का एक और नाम क्या होता है? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, यानी इसको बूढ़ों का पास का डिफेक्ट बोलते हैं, यानी बूढ़े लोग जो होते हैं या एजेड पर्सन जो होते हैं उनको पास का नहीं दिखता, वो प्रेस बायोपिया का डिफेक्ट भी हो सकता है, क्लियर? ड्यू टू एडवांस एज ये डिफेक्ट अराइज होता है। इस डिफेक्ट में ना तो पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, मतलब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बहुत होते हैं, बट ज्यादा चांसेस में क्या होता है? पास का नहीं दिखता, तो इसको बोलते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, क्लियर? अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है? तो सिंपल, नंबर वन है कि पर्सन कैन नॉट एबल टू सी फार बाय एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ना तो पास का दिखता है ना ही दूर का, ठीक है? दूसरा, अब इसके कॉजेज, कॉजेज क्या होंगे? नंबर वन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस डिक्रीजेस, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाती है वैसे अपनी लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज, क्लियर? फ्लेक्सिबिलिटी लेंस की हो जाती है डिक्रीज, लेंस जो है थिक और थिन होना धीरे धीरे बंद कर देता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो डिक्रीज हुई उसके कारण अपने अंदर दोनों डिफेक्ट अराइज हो सकते हैं। सेकेंड होता है बेटा वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, जो लेंस को होल्ड करने वाली मसल्स है वो भी क्या हो जाती है? वीक, जिसके कारण अपन को प्रेस बायोपिया में डिफेक्ट हो सकता है। तो ये दो कॉजेस होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस डिक्रीजेस और वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स।
क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए करेक्टिव लेंस दोनों होते हैं, कॉन्वेक्स भी होता है कॉनकेव। अब मैं इसको आपको स्पेक्स बना के बताता हूं। देखो बेटा, ये जो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन में तो होता है कॉन्वेक्स, अपर पोर्शन में होता है कॉनकेव, यानी इसमें लगाते हैं बायफोकल लेंस। कौन से लेंस लगाते हैं, यानी पास का भी दिखे और दूर का भी दिखे, इसलिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, बायफोकल, यानी दोनों लेंस लगे हैं, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। आपने देखा हो जब पास का देखना होता है चश्मा नीचे करते हैं और दूर का देखना है तो चश्मा ऊपर करते हैं, तो ये कॉन्वेक्स लेंस। पास का देखने के लिए नीचे का यूज करेंगे यानी कॉन्वेक्स लेंस, और ऊपर का देखने के लिए कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। क्लियर, ये हो गए आपके तीनों डिफेक्ट, क्लियर हुए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना इसका, वो नेक्स्ट टॉपिक दे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुत सिंपल बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अब जो है अपना वो क्या रहेगा, तो वो अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। क्लियर, ग्लास प्रिज्म और उसका रिफ्रैक्शन। अब एक चीज और बता दो, अपनी आंखें दो क्यूब होती है, क्लियर, अपनी आंखें दो इसकी होती है 180 डिग्री का विजन देने के लिए, ठीक है, 180 का डिग्री का विजन देने के लिए अपनी आंखें कितनी होती है, दो। अगर एक आंख बंद कर दो तो कितने डिग्री दिखेगा, तो देखते हैं, एक आंख बंद करती मेरे को दिखता है 150 डिग्री, हमेशा ध्यान रखना, एक आंख बंद करने के बाद अपन को कितना डिग्री दिखता है, 150, और दोनों आंखें किसकी होती है, 180 डिग्री विजन के लिए। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म सभी को पता है क्या होता है, क्लियर, तो ग्लास प्रिज्म में पहले अपन पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन, तो बाद में पढ़ेंगे। बेटा ग्लास प्रिज्म क्या होता है, ये ग्लास प्रिज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, कांच की तरह ऑब्जेक्ट होता है जिसमें रेक्टेंगुलर सर्फेसिस भी होती है और ट्रायंगुलर सर्फेस भी होती है। अब रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर सर्फेस वाले को क्या बोलते हैं, प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। क्लियर हुआ, इसमें तीन तो रेक्टेंगुलर सर्फेस होती है और दो ट्रायंगुलर सर्फेस होती है। क्लियर, अब ये हेल्प क्या करता है, तो ये डिस्पर्जन कराने में हेल्प करता है बेटा। क्या कराने में हेल्प करता है, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर्स। देखा रेनबो, वही ग्लास प्रिज्म भी रेनबो की तरह एक्ट करता है, जैसे लाइट उससे पास होती है तो वो डिस्पर्जन कराता है, जिसको बोलते हैं जो व्हाइट लाइट होती है सन की या किसी भी सोर्स की, वो सेवन कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। और स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ सेवन कलर्स, वो सेवन कलर्स का जो बैंड होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ सेवन कलर्स कौन है, स्पेक्ट्रम। और वो सात कलर कौन से होते हैं, विल्क्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सेवन कलर्स होते हैं। क्लियर, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं बेटा होता कैसे है प्रिज्म में। देखो रिफ्रैक्शन कैसा होता है, प्रिज्म से ये व्हाइट लाइट है सेवन कलर्स में डिवाइड होती है, 6-7, फर्स्ट जो कलर होगा वो हमेशा रेड होता है, रेड हमेशा लीस्ट डिविएटेड कलर है, रेड कैसा कलर है, लीस्ट डिविएटेड। अब इसका एग्जांपल, डेंजर सिग्नल सारे रेड कलर क्यों होते हैं, इसी के कारण, क्योंकि डेंजर सिग्नल अपन को फॉग और स्मोक में भी दिख जाते हैं। ट्रेन्स के देखो, ट्रेन्स क्या होती है, सिग्नल पे डिपेंड चलती है, ठीक है, उनको ये पता नहीं कि रास्ता आगे क्लियर है या नहीं है, तो वो क्या करती है, सिग्नल के अकॉर्डिंग चलती है। अब देखो भाई, अपना इंडिया ऐसा कंट्री है जिसमें चारों सीजन होते हैं, बारिश भी तेज होती है तो ठंड भी तेज होती है, ठंड में तेज होने के कारण फॉग आता है। अब फॉग में ट्रेन तो चलेगी ना, फॉग में रुकेगी थोड़ी ना ट्रेन, तो ट्रेन क्या करती है, सिग्नल पे डिपेंड रहती है। अब रेड कलर ऐसा होता है जो सिग्नल, ठीक है, वो डेंजर सिग्नल फॉग में भी दिखता है, रेड कलर फॉग में भी विजिबल होता है, तो रेड कलर इसलिए क्या है, लीस्ट डिविएटेड कलर। रेड कलर यूज क्यों करते हैं डेंजर सिग्नल्स में, क्योंकि ये ऐसा कलर है जो लीस्ट डिविएटेड रहता है, यानी अपन को डेंजर सिग्नल्स भी क्या करके दिखा सकता है। क्लियर, रेड हो गया, फिर आता है उल्टे चलते हैं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। वायलेट सबसे मैक्सिमम डिविएटेड कलर है। क्लियर,
अब ध्यान रखना, रेड की फोकल वेवलेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, यानी रेड दूर से बहुत ज्यादा विजिबल होता है, वायलेट की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। क्लियर? तो रेड लीस्ट सिविलेटेड है और वी क्या है, वायलेट मैक्सिमम लिमिटेड है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बेटा है इसमें क्वेश्चन, अपोजिट सॉरी कंबाइनिंग ऑफ व्हाइट लाइट। देखो ये एक्सपेरिमेंट ढंग से समझना, दो प्रिज्म है ठीक है, एक प्रिज्म तो क्या करेगा, सेवन लाइट निकालेगा, दो तीन चार पांच छह सात ठीक है। अब ये प्रिज्म क्या करता है, ये वापस कर देता है व्हाइट लाइट। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक प्रिज्म के साथ एक और मैंने अपोजिट प्रिज्म लगा दिया तो वो हमेशा क्या करता है, उन लाइट्स को वापस जो स्प्लिट हुई है उसको वापस कंबाइन करके वापस व्हाइट लाइट दे देगा। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट बाय पुटिंग टू अपोजिट प्रिज्म्स। अगर एक प्रिज्म है वो सेवन कलर्स में डिवीट होगा, अगर मैंने उसी के साथ अपोजिट प्रिज्म एक और लगा दिया तो वो सेवन कलर्स को वापस इसमें कन्वर्ट कर देगा व्हाइट लाइट में। क्लियर? समझ में आया? इसको बोलते बेटा कि ये क्या कर रहा है, इस कलर को कंबाइन कर रहा है, वापस सेवन कलर्स को कंबाइन करके कौन सी लाइट दे रहा है, व्हाइट लाइट। क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही, बाकी अपन बाद में देखते हैं। थैंक यू सो मच।